जब युद्ध की विभीषिका से मानव जीवन चल रहा है, जहां पूरा मानव समाज त्रस्त हो, जहां शांति की परम आवश्यकता हो, ऐसे समय में देश के लिए, समाज के लिए, जन जन को मानवीयता समझाने का कठिन संकल्प लेने वाले महापुरुष की ये जीवन गाथा है, जीवन गाथा है, जीवन गाथा है, गाथा है। भारत की संस्कृति ऋषियों और मुनियों की संस्कृति है, उसमें भी जैन संस्कृति सिरमौर है। इस भूतल पर समय समय पर कई महान आत्माएं अवतरित हुई हैं। जैन संतों की तप, संयम, साधना का उल्लेख वेद और पुराणों में भी मिलता है। इसी क्रम में पंजाब प्रांत, जहां गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों ने इस पुण्य धरा पर जन्म लिया। उसी पावन धरा पर रानिया मंडी, मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को सुश्रावक श्री चिरंजी लाल जी की धर्म सहायिका मातुश्री विद्या देवी की कुक्षी से सूर्य की भांति आपका जन्म हुआ। पिता श्री चिरंजी लाल जी जैन के कुल को आपने रोशन किया। इस ओजस्वी बालक का नाम रखा गया शिव कुमार। उस समय कोई नहीं जानता था कि यह बालक भविष्य में श्रमण संघ का सिरमौर बनेगा। बालक शिव कुमार के दादा श्री माया राम जी मलोट मंडी के सुप्रतिष्ठित व्यक्तित्व थे। जिस दिन पहली बार तू मेरी गोद में आया था, उस दिन जीवन का सच्चा सुख मैंने पाया था। नन्हा सा तू और प्यारी सी तेरी वो मुस्कान, हो गए पूरे देख के तुझको मेरे सब अरमान। छोटा सा मन तेरा पाकर माँ हो गई खुशहाल। माता विद्या देवी अत्यंत संस्कारी व धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। मात्र 5 वर्ष की आयु में बालक शिव कुमार को अध्ययन हेतु विद्यालय भेजा गया। अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण स्कूल में उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। 13 वर्ष की बाल अवस्था में ही शिव कुमार के अंतर्मन में धर्मनिष्ठा समाहित हो गई। नगर में जब भी कोई संत सतिया पधारते, आपका ज्यादातर समय उनके चरणों में व्यतीत होने लगा। पंजाबी विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की, जेवीजी कॉलेज से अंग्रेजी में एमए किया, दर्श शास्त्र में डबल एमए किया। युवा अवस्था में आपका ध्यान व्यापार व्यवसाय में बढ़ाने हेतु अबोहर भेजा गया, परंतु वहाँ आपका मन नहीं लगा। आपका हृदय तो वैराग्य के लिए लालायित था। आपके मन में जीवन और जगत को निकटता से समझने के लिए विश्व स्तर पर पाश्चात्य सभ्यता को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। मई 1971 में नव युवक शिव कुमार ने कई विख्यात देशों में 51 दिन भ्रमण किया। अमेरिका, इंग्लैंड, कुवैत आदि कई विख्यात देशों में 51 दिन भ्रमण किया। जग घूमने के पश्चात भी सांसारिक चकाचौंध आपके आत्मबल को नहीं डिगा पाई और शिव कुमार का वैराग्य और अधिक प्रबल हो गया। मई 1972 को मलोट मंडी में 30 वर्ष की आयु में आपने राष्ट्र संत श्री ज्ञान मुनि जी महाराज के श्री चरणों में जैन भागवती दीक्षा ग्रहण की।
युवा शिव कुमार ने पूज्य श्री शिव मुनि जी के रूप में अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ की। यह वर्तमान इतिहास की पहली एक युगांतरकारी घटना थी कि धनाढ्य परिवार से उच्च शिक्षा प्राप्त एवं कई देशों का भ्रमण करने वाले युवक ने दीक्षा ग्रहण की। सर्वप्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से पीएचडी तथा स्वयं द्वारा लिखित शोध ग्रंथ ध्यान एक दिव्य साधना के लिए उन्हें डीलिट की मानद उपाधि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा सम्मानित किया गया। आप श्रमण संघ में एक श्रेष्ठ कर्मयोगी साधु रत्न हैं। आपके लिए आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज सा ने अपने आशीर्वचन में कहा है कि आप श्रमण संघ के आत्मार्थी जिम्मेदार आध्यात्म योगी साधक हैं। दिनांक 13 मई 1987 को आपकी ज्ञान ध्यान तप संयम साधना से प्रभावित होकर मात्र 15 वर्ष की दीक्षा पर्याय में ही आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज सा ने पुनः साधु सम्मेलन में लगभग 300 साधु साध्वियों के साथ चतुर्विध संघ की उपस्थिति में युवाचार्य पद से अलंकृत किया। नौ जून 1999 को अहमदनगर महाराष्ट्र में आप श्रमण संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य के रूप में अभिषिक्त होकर लगभग 1200 साधु साध्वियों और लाखों श्रावक श्राविकाओं के इस विशाल चतुर्विध संघ के अनुशास्ता बने। तब से लेकर वर्तमान तक आप श्री के कुशल नेतृत्व में श्रमण संघ चहुमुखी प्रगति कर रहा है। सदगुरु सदगुरु तू ही तू। एक ऐसा चरक जो चरैवती की महान परंपरा को कायम रखते हुए जन कल्याण हेतु गतिमान है। भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु पंजाब हरियाणा राजस्थान हिमाचल जम्मू दिल्ली मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु आदि लगभग 35,000 किलोमीटर की विहार यात्रा करते हुए जैन धर्म की पताका लहराई। आप ऐसे स्वाध्याय प्रेमी हैं जिन्होंने पंजाबी हिंदी संस्कृत प्राकृत आदि भाषाओं का तल स्पर्शी अध्ययन किया। वे अंग्रेजी भाषा में पीएचडी कर प्रथम जैन मुनि बने। आप एक महान साहित्यकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत में नई इबारतें लिखी। आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज साहब के 22 आगम एवं समस्त साहित्य का संपादन एवं आप श्री जी की शोध प्रबंध एवं ध्यान प्रवचन साहित्य पर 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता होते हुए भी आप लोक भाषा में अपनी बात को कहने और लिखने में कुशल हैं। आप ऐसे तप आराधक हैं जो स्वयं 31 वर्षों से एकांतर तप की साधना कर रहे हैं। तप ध्यान साधना और कायोत्सर्ग की विशेष साधना से प्रेरणा पाकर आपके शिष्य साधु साध्वी श्रावक श्राविका वर्षी तप कर रहे हैं। आप एक ऐसे करुणामय युग पुरुष हैं जिनके द्वारा अब तक लाखों लोग व्यसन मुक्त अपना जीवन बना चुके हैं। सहस्त्र मुख पशुओं को अभयदान प्राप्त हो चुका है। आप गौरक्षा मांस निर्यात बंद हो इस पर सतत पुरुषार्थ कर रहे हैं। आपने 127 विरक्त आत्माओं को अपने कर कमलों से जैन भगवती दीक्षा प्रदान की है। आपकी आज्ञा से 300 से अधिक जैन भगवती दीक्षा हो चुकी है। हजारों श्रावकों ने आपसे श्रावक व्रत अंगीकार किया है। आचार्य श्री के सानिध्य में संपूर्ण भारत वर्ष से लगभग 500 साधु साध्वी की उपस्थिति में
आत्मदृष्टि संत समागम के नाम से श्रमण संघीय साधु सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें साधु समाचारी को युगानुरूप बनाते हुए सबके संयम में सुदृढ़ता लाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए एवं आचार्य भगवंत ने अपने मुखारबिंद से पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साह को श्रमण संघ का युवाचार्य घोषित किया। आप आत्मध्यान साधना द्वारा ऐसे समाज के निर्माण हेतु अग्रसर हैं, जहां प्राणी एक दूसरे से निष्काम पवित्र प्रेम करें। शाकाहार के प्रचार हेतु आप जन जन को प्रेरित कर रहे हैं, ताकि व्यक्ति सात्विक स्वास्थ्य को प्राप्त कर आध्यात्मिक साधना में प्रवेश कर सके। आपके दिशा निर्देशन में आत्मध्यान साधना शिविर लग रहे हैं, जिसमें लाखों लोग अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। ऐसे ध्यान साधक जो आत्मध्यान साधना द्वारा सुख, शांति, समृद्धि व तनाव मुक्त जीवन व मोक्ष मार्ग की ओर उन्हें प्रशस्त कर रहा है तथा श्रमण परंपरा को अक्षुण्ण बनाने हेतु प्रयासरत है, आप ध्यान की गहराइयों में जाकर आत्म स्वभाव की अनुभूति का आनंद लेने के साथ साथ दूसरों को भी आत्म अमृत का पान करा रहे हैं। आपने ध्यान योग साधना शिविरों के संचालन, बाल संस्कार, आत्म ध्यान साधना शिविरों द्वारा लाखों साधकों ने ध्यान साधना कर अपने जीवन का कल्याण किया। आपने विश्व शांति के सूत्र बताए हैं, अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, समृद्ध भारत का निर्माण, वसुधैव कुटुंबकम, आत्मदृष्टि संबल, निष्काम प्रेम, कृतज्ञता पूर्वक समाज का निर्माण, आनंद, शांति, ज्ञान युक्त व्यक्तित्व का निर्माण, शुद्ध आहार, शाकाहार का प्रचार, जीव दया। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, मैं आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ, वे भारतीय संस्कृति के प्राण है, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें ताकि हम पूरे देश में अहिंसामय वातावरण का निर्माण कर सकें। आपका कहना है, आई प्रे फॉर यू, यू प्रे फॉर मी, आप मेरे लिए प्रार्थना करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आचार्य श्री जी श्रमण परंपरा के एक महान आचार्य हैं। वे सरल हैं, आत्मज्ञानी हैं, गुणग्राही हैं। आप श्री शांति, सद्भावना और सर्वधर्म समन्वय के प्रति जागरूक रहते हैं। आप तप, संयम, ध्यान साधना के क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं। आपकी 4.5 दशक की साधना जन कल्याण को समर्पित है। आप श्री महान ध्यान योगी, युग पुरुष, युग प्रधान, आत्म अनुशास्ता, तप सूर्य, योगी राज, आत्मज्ञानी, सतगुरु देव, जैन धर्म दिवाकर, आगम अति धनवा, राष्ट्र संत आदि कई उपाधियों को आप सुशोभित कर रहे हैं। आचार्य श्री जी को विभिन्न सरकारों द्वारा मानव सेवा, जन कल्याण के कार्यों हेतु आपको निम्न उपाधियों से अलंकृत किया, सर्वधर्म समन्वय योग, ध्यान एवं शाकाहार, जीव दया, गौ रक्षा, अहिंसा की भावना से प्रभावित होकर भारत सरकार ने प्राणी मित्र अवार्ड 2015 प्रदान किया, जीव दया अवार्ड जीव जंतु कल्याण बोर्ड मंदसौर ने प्रदान किया, शांति सद्भावना एवं जन जन में नैतिक उत्थान हेतु प्रदान किया, महात्मा गांधी सर्विस अवार्ड 2006, साई मिया मीर अवार्ड 2005, अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा सांप्रदायिक सद्भावना, मैत्री प्रेम संबंधों के लिए प्रदान किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के मुख्य संरक्षक सर्वधर्म संस्था ने आपको संरक्षक बनाया। आचार्य श्री के 75वें जन्म दिवस पर अरिहंत भगवान श्री सिमंदर स्वामी के चरणों में प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हो और स्वस्थ रहकर श्रावक श्राविकाओं को अपनी अमृतमय वाणी से लाभान्वित करते हुए जिन शासन की सेवा करते रहे। वितरण साधना हम सभी को आपके सानिध्य में प्राप्त हो रही है। यह वितरण साधना हम सभी के
सिद्धालय का पाठ्य बने। आप स्वस्थ एवं दीर्घायु रह करके श्रवण संघ के कुशल नेतृत्व के साथ साथ साधना पद को भी प्रशस्त करते रहे, यही परमात्मा के चरणों में हार्दिक मंगल कामना। आज सारे नगर में हमने कहा आचार्य हमारे भगवान आ रहे हैं, हम तुम्हारे भगवान है, फिर हमारे भगवान वो है। जब ये दादा भगवान हुआ, ये मानते रूपचंद जी हमारे भगवान है, फिर रूपचंद जी के भगवान कौन है? ये है शिव मुनि है और नाम ही शिव है। शिव जावे जटी आरामिस मिले आनंदित मिले। श्री श्रमण संघ के अंदर संचालक का पद रखते हैं, इन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे श्रमण संघ को सुव्यवस्थित रूप से चलाने की। मैं चाहता हूं कि आचार्य भवन की जन्म जयंती के निमित्त से दुनिया भर में जितने भी लोग इस वाणी को श्रवण कर रहे हैं वे सभी ध्यान साधना से जुड़े। आचार्य भगवान को प्रिय है आत्म ध्यान, आप सभी आत्म ध्यान से जुड़ेंगे तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धा भाव समर्पण का होगा। मैं आज के दिवस पर अपना संपूर्ण जीवन इस मिशन के लिए समर्पित करता हूँ। मैं आचार्य भगवान के इस अमृतमय वर्षावास में शिवाचार्य हीरक जयंती वर्ष और शिवाचार्य हीरक जन्मोत्सव के शुरुआत के अवसर पर अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करता हुआ यही भावना भाता हूँ। इन्हीं शुभ भावों के साथ आचार्य भगवान के श्री चरणों में पुनः पुनः हृदय की अनंत गहराइयों के साथ वंदन नमन, जन्मदिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। पंजाबी च कहंदे ने लख लख वधाइयां, मराठी में कहते हैं वार दिवसाचा खूब खूब शुभेच्छा। आचार्य भगवान ने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत कुछ दिया है अपनी साधना के माध्यम से, अपने ध्यान के माध्यम से। भगवान हम कुछ भी नहीं दे सकते, देने वाला हमारी उम्र भी आपको दे। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के 75वें जन्मदिवस पर हार्दिक नमन, हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। जो महावीर की साधना, महावीर का ध्यान आपने पाया है, खोजा है, वही हम सब के भीतर भी आए। आचार्य भगवान का 75वां जन्मोत्सव, हमें यही सीख मिलती है उनके जीवन से कि उनका जैसे हृदय सरल रिजुक व विनर्म है, हमारे जीवन में भी उन जैसी विनम्रता हमारे जीवन में भी आए। आचार्य भगवान विनय, सरलता और संकल्प के समन्वय है। आचार्य भगवान आपके इस हीरक जन्मोत्सव पर हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ जिन शासन देवों के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, आपका स्वास्थ्य आपका साथ दे और आप वीतराग पथ पर आगे आगे और आगे बढ़ते चले जाएं। इंसान को आत्म ध्यान साधना से जीवन जीने की कला कि कैसे जीवन को जिया जाए सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक, आनंदपूर्वक, कैसे समस्याओं का समाधान किया जाए। आज जिंदगी में सुबह से शाम तक इतनी समस्याएं हैं लेकिन हमारे पास समाधान नहीं है, जिसके लिए हम बेचैन और परेशान रहते हैं। आत्म ध्यान साधना के बावजूद आपकी समस्याओं का समाधान आपको स्वयं मिल जाएगा। आप ध्यान की गहराइयों में जाकर आत्म स्वभाव की अनुभूति का आनंद लेने के साथ साथ दूसरों को भी आत्म अमृत का पान करा रहे हैं। आपका कहना है, आज का ये दिवस मेरे लिए और आप सब के लिए जो भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों से आप सभी आए हैं, इस भावना को लेकर के, उस भावना की मैं हृदय से कदर भी करता हूँ। और जन्म दिवस, ये जन्म किसका है और मरण किसका है, यदि हम महावीर की आत्मदृष्टि से जाने और समझें तो जन्म और मरण शरीर का है, आत्मा का जन्म और मरण नहीं। आत्मा अजर और अविनाशी सच्चित आनंद है और हमें अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से साधना मिली, वो साधना जिस जन्म से ही हमें मोक्ष की ओर अग्रसर ले जा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत समय बीत गया, अब मैं चाहता हूँ
कि मुझे साधना प्रिय है और जो भी साधना करता है मुझे बहुत प्रिय लगता है। आप सभी इस जन्मदिवस पर आए हो, मैं चाहता हूँ कि मैं भी साधना करूँ और आप भी साधना करूँ। जन्म और मरण अनंत बार मेरा भी हुआ और आपका भी हुआ। 4,84,00,000 जीव जन्म में जन्म और मरण हुआ कि मुझे जो जन्म मिला और उस जन्म में आप सभी का जो स्नेह मिला, प्यार मिला और प्रभु की अनंत कृपा मिली, शासन देवों की कृपा मिली, वितराग शादी का, निशा जी का सहयोग मिला और आप सब लोगों ने मुझे जो चतुर्मास के दौरान आपकी भक्ति यहाँ के श्री संघ की युवाओं की बहुत ही सराहनीय है। और आप सभी ने चतुर्मास में बढ़ चढ़ के भाग भी लिया, ध्यान शिविरों का आयोजन भी हुआ और युवा शक्ति आगे आकर के किया। तो मैं चाहता हूँ ये साधना केवल भीलवाड़ा नहीं, पूरे भारत में और भारत के बाहर विश्व में फैले और हम इस साधना को अंगीकार करके अपने जीवन को सफल करें। मैं चाहूँगा हम उसी पथ पर आगे बढ़ें और आप सब ने जो मेरे लिए मंगल कामना की है, मैं आप सब के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप भी अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जाऊँगा कहाँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, बस ये 4 ही प्रश्न है ज़िंदगी के अंदर। बाकी जितना धन पद यश प्रतिष्ठा तुम प्राप्त करोगे, एक श्वास की दूरी पर अटका है सब कुछ। श्वास टूटा देश शमशान की राख बनेगी, न धन बल, न पद बल, न यश बल, न प्रतिष्ठा, कोई काम नहीं आएगी। एक तस्वीर लटका देंगे और वह भी कुछ सालों के बाद नदी में बहा देंगे। सत्य है कि अपने आप को जानो और पहचानो, स्वयं में रमन करो, पर का त्याग करते जाना। यह साधु रत्न आपने चिंतन, पुरुषार्थ, ज्ञान, विवेक से श्रमण संघ को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं। ऊंचाई अध्यात्म की, ऊंचाई वैराग्य की, ऊंचाई परम धाम मोक्ष पाने की।